नया 2022 वाला फोर्ड रेंजर ट्रक लॉन्च हो गया है, जिसपे एंडेवर बेस्ड है, जिसमें आपको पहले से बहुत ही बढ़िया अपडेट मिलते हैं, आपको नई लुक्स मिलती है, आपको नया इंटीरियर मिलता है और जो गाड़ी की कैपेबिलिटीज है कुछ ज्यादा ही बढ़िया पहले से। और इसका लॉन्च भी काफी लक्सा हुआ था, जिसमें फोर्ड ने एक 360 डिग्री वीडियो में लॉन्च किया था इसका, जिसमें ऐसे हम आगे पीछे देख सकते हैं। और ये जो आंटी जी बोल रही है, अब इन्होंने पकड़ लिया कैमरा और इनकी शक्ल दिख नहीं रही, ब्लर कर दी है। और इससे जो लॉन्च है काफी कूल लग रहा था, लेकिन हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है जो कंटेंट क्रिएटर्स है, क्योंकि हम क्या दिखाएंगे फिर वीडियोस में। तो पहले आते हैं इस गाड़ी के लुक्स में, जो कि आपको काफी बढ़िया मिलती है पहले से, जिसमें आपको जो सामने की ग्रिल है, जो सामने की लाइट्स है, एकदम फोर्ड मैवरिक वाली मिलती है, जिसमें जो सामने की लाइट्स है आपको ऐसे कर्व्ड वाली मिलती है, जो कि ऐसे साइडों में बड़ी बड़ी, और साथ ही में जो ग्रिल है उसमें इंटीग्रेटेड है। और जो सामने की ग्रिल है आपको बड़ी सी मिलती है, जो कि ब्लैक कलर की और डिफरेंट डिफरेंट शेप में, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में आती है, जैसे आप इसका वेरिएंट लेंगे। जो इसका बम्पर है काफी ऐसे रगड्स है, जिसमें आपको मेटल की फिनिश मिलती है, साथ ही में आपको एलईडी के फॉग लैंप मिलते हैं, और बम्पर में आपको एक्सटेंशन मिलती है इसकी ग्रिल की, ऐसे प्लास्टिक वाले पार्ट। और अगर आप इस गाड़ी की बोनेट देखे तो एकदम ऐसे सीधा सा है, काफी बड़ा सा है, ऐसे लाइनों वाला, जो कि एकदम ऐसे माचो वाली बॉडी बिल्डर वाली लुक्स दे रहा है इस गाड़ी को। और अगर आप कंपेयर करें पहले वाली गाड़ी से, तो आपको दिख ही रहा होगा कि डिफरेंस कितना बड़ा है, जिसमें ये वाला बोनेट काफी ऐसे सीधा सा है, काफी ऊंचा सा है एज कम्पेयर टू पहले वाली गाड़ी। और भाई जो नई वाली एंडेवर है वो भी ऑलमोस्ट ऐसी लुक्स वाली होने वाली है, तो भाई अब बड़ा बुरा लगता है यार सोच के कि हमने उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करवा दिया इंडिया से, और उसकी जो नई वाली जनरेशन है इतनी बढ़िया होने वाली है। साइड में गाड़ी पहले कुछ ज्यादा लंबी थी, और अब आपको और ज्यादा लंबी मिलती है और ज्यादा चौड़ी मिलती है, जिसमें इस गाड़ी में आपको पहले से नए अलॉयज मिलते हैं, जो कि 18 इंच की है, और आपको मोटे मोटे टायर मिलते हैं, और साइड में आपको फुटस्टेप मिलते हैं, जो कि बढ़िया है। और पीछे इस गाड़ी में आपको नए अपडेट मिलते हैं, जिसमें आपको नई टेलर्स मिलती है, जो कि एलईडी में है, आपको नया मेटालिक बम्पर मिलता है, जो कि कुछ ज्यादा ऐसे रगड्स है, और साथ ही में जो इसकी डिक्की है उसमें आपको रेंजर का ऐसे बैज मिलता है, और आपको बढ़िया शानदार लुक्स मिलती है। तो भाई अब आपको लग नहीं रहा कि बड़ी भूल हो गई फोर्ड को इंडिया से भेज के, अब थोड़ा पश्चाताप हो रहा है, शायद गलत वर्ड बोल रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। इसमें आपको टोटल में 5 डिफरेंट स्पेक मिलते हैं, जिसमें आप चूज कर सकते हैं, और इंडिया में इन 5 में से एक लॉन्च होगा, जिसमें जो इसका बेस पैक है उसका नाम है XL, जिसमें आपको सारा कुछ बेसिक मिलता है, आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, और आपको इंटीरियर में 10 इंच की स्क्रीन मिलती है। और ये बना माल ढोने के लिए, अगर आपको टमाटर वगैरह ऐसे सप्लाई करने हैं आप ये वाला स्पेक ले सकते हैं। इसके ऊपर आता है इसका XLS वाला स्पेक, जिसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, आपको थोड़ी एडवांस लाइट्स मिलती है। इसके ऊपर आता है XLT वाला स्पेक, जिसमें आपको 17 इंच के अलॉयज मिलते हैं, आपको एलईडी लाइट्स मिलती है। फिर आता है इसका स्पोर्ट वाला स्पेक, जो कि इंडिया में लॉन्च होगा, जिसमें आपको 18 इंच के अलॉयज मिलते हैं, आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, आपको लेदर की सीट्स मिलती है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, और आपको एलईडी लाइट्स मिलती है। काफी कूल स्पेक है, और मैं मानता हूं कि इंडिया के लिए एकदम बेस्ट है ये वाला स्पेक, जिसमें आपको सही वैल्यू टू मनी प्रोपोर्शन मिलता है। और इसके ऊपर आता है इसका गर्मी वाला स्पेक, या फिर ऐसे अमीरो वाला स्पेक, जिसका नाम है वाइल्ड ट्रैक, जिसमें जो 18 इंच के अलॉयज है वो तो आपको सेम मिलते हैं, लेकिन उनमें आपको गन मेटल फिनिश मिलती है, जो इसकी एलईडी है उसमें आपको ब्लू लाइटिंग मिलती है, और साथ ही में इसके इंटीरियर में आपको 12 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो कि ऐसे कुछ ज्यादा बड़ा सा टेस्ला टाइप का, और आपको थोड़ी बढ़िया पावर मिलती है। लेकिन इस वाले स्पेक को भूल जाओ, क्योंकि इंडिया के लिए थोड़ा सही नहीं है, काफी महंगा होने वाला है इंडिया में ये। और दोस्तों, अगर आपको महंगाई को मात देनी है तो कारवर्सल को सब्सक्राइब कर लो, एक रियल कारवर्सल प्रो बनने के लिए आपका सिर्फ 1 सेकंड जा रहा है, आप एक रियल कारवर्सल प्रो बन सकते हैं। तो प्लीज अपना 1 सेकंड लगाओ, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ताकि हमारी कम्युनिटी बहुत ही बड़ी हो जाए और आप भी एक कम्युनिटी मेंबर बन पाए। जो इसके कूल फीचर है अगर आप देखेंगे तो आप भी कूल बन जाएंगे, जिसमें इस गाड़ी में आपको साइड स्टेप मिलते हैं इसकी डिक्की के लिए, जिसमें अगर आपको ऐसे ऊपर चढ़ना है तो उसमें आपको थोड़ी आसानी होने वाली है। जो इसके पीछे की डिक्की है उसमें आपको मेजरमेंट्स मिलती है, आपको टूल्स को हैंग करने के लिए थोड़े बहुत पार्ट्स मिलते हैं, जिससे अगर आपको ऐसे नाप तोल करना है, कोई ऐसे सिलाई विलाई का काम करना है इसकी डिक्की में, आप कर सकते हैं। पर भाई अगर कोई बंदा 30 लाख की गाड़ी ले रहा है तो वो ऐसे टमाटर की सप्लाई का काम या फिर ऐसे दर्जी वर्जी का काम क्यों ही करेगा। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसमें आपको जोन लाइटिंग मिलती है, जिसमें आपको इसके पूरे सराउंड में लाइट्स मिलती है, तो अगर आपको रात में ऐसा डर लगता है ऐसे भूतों से, और आपको पता नहीं क्यों इस गाड़ी में सोना पड़ रहा है रात को, तो आपके लिए बढ़िया, पर उससे पता नहीं होगा क्या, क्योंकि भूतों तब भी आ ही सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई स्पेक नहीं मिलता, बस आपको भगवान का नाम मिलता है, वही ले लेना अपनी अंदरूनी संतुष्टि के लिए। इसकी डिक्की में आपको पावर सॉकेट मिलते हैं, जिसमें अगर आपको अपनी दर्जी वाली मशीन को पावर करना आप कर सकते हैं, जो कि पूरा प्रॉपर आउटलेट है। और भाई मैं इसलिए सोच रहा हूँ अपनी एक ऐसे दुकान खोलने का, बब्बू
टिक्की वाला, तो भाई हमारी 60 रुपए की प्लेट है और होम डिलीवरी अवेलेबल है, तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो बब्बू टिक्की वाला से ऑर्डर कर लो और अपनी टिक्की खाओ घर पे। इसके इंटीरियर में आपको सबसे बड़े अपग्रेड मिलते हैं, जिसमें आपको नया स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4, 18 बटन मिलते हैं राउंड। एक आपको नई वर्टिकल स्क्रीन मिलती है जैसे फोर्ड ब्रोंको में आती है, काफी सही सी है, काफी एडवांस है। और साथ ही में जो उसका डैशबोर्ड है उसमें आपको 10 इंच की या फिर 12 इंच की स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है जो कि ऐसे वर्टिकल वाली है। यार ये स्क्रीन देख के ना भाई मेरा दिल यार थोड़ा रो पड़ा, क्योंकि भाई हम बेइज्जती करते थे फोर्ड एंडेवर की कि 6-7 इंच की स्क्रीन है और अब 12 इंच की है इसमें। तो वक्त बदल गया, जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए भाई, हमारी जिंदगी कुछ और हो गई है उसके जाने के बाद। और इसके जो बटन है डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो बहुत ही कम है, क्योंकि जो सारे कंट्रोल है इसकी स्क्रीन में आपको मिलते हैं। इसके सेंटर कंसोल में आपको इलेक्ट्रिक शिफ्ट वाला गियर लीवर मिलता है, जो कि ऐसे छोटा सा लीवर है जिसमें आपको कुछ मूव नहीं करना, उसे बस आप बटन ऐसे आगे पीछे करके उसमें PRNDS पे कर सकते हैं। और साथ ही में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलती है जो कि बढ़िया है, और आपको ऑफ रोड मोड्स मिलते हैं जो कि 4H, 2H और 4L वाले हैं, जिससे अगर आपको बड़ी ऑफ रोडिंग करनी है इस गाड़ी में आप कर सकते हैं। और बाकी इसमें आपको रेयर में भी काफी बढ़िया स्पेस मिलती है, जिसमें अगर आपको बंदे बढ़ाने हैं बड़े बड़े आप बिठा सकते हैं, और जो एंडेवर आएगी उसमें आपको और बढ़िया मिलने वाली है भाई। पर इसमें सनरूफ तो कोई दिख नहीं रही। तो भाई ऑब्वियसली जो रेंजर है उसमें सनरूफ नहीं आती, जो इसका एवरेस्ट वाला या फिर जो एंडेवर वाला वर्जन आएगा उसमें सनरूफ आएगी, लेकिन हमारे लिए क्या ही आएगा, कुछ नहीं आने वाला। दोस्तों जो दिल है वो बहुत जरूरी होता है बड़ा होना, पर इस गाड़ी में आपको बड़ा दिल मिलता है, जिसमें आपको जो बेसिक वाला है वो तो 2.0 लीटर का इंजन मिलता है जो कि बढ़िया है, जिसमें आपको सही पावर मिलती है। लेकिन जो इसका बड़ा वाला दिल है वो है 3.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जिसमें आपको V6 फॉर्मेट मिलता है और आपको बहुत ही बढ़िया ऐसे एंडलेस टॉर्क मिलता है। तो अगर आपको ऐसे बढ़िया मजाक उड़ाने फॉर्च्यूनर का रेस में, तो ये गाड़ी बेस्ट होने वाली है। और जो इसका इंडिया में प्राइस है शायद 35 लाख का हो सकता है, अगर इंडिया में लॉन्च होती है CBU की तरह, और वो भी मैं एक शोरूम इंडिया बता रहा हूँ, ऑन रोड तो 45-50 का आसानी से हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जो इस गाड़ी में आपको साइज मिलता है, जो पावर मिलती है, जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी मिलती है एकदम बेस्ट इन क्लास है, फॉर्च्यूनर से भी बढ़िया है। और जो इसका एंडेवर वाला या फिर एवरेस्ट वाला वर्जन है उसका प्राइस आसानी से 50-55 लाख रुपए का हो सकता है एक शोरूम इंडिया। तो भाई अब मुझे लग रहा है कि जो हमारी स्कीम थी की शॉर्टेज करने वाली, वो अब हमें करनी पड़ेगी थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए।